हज़रत आमना का उसके बाद दिल चाहा कि इनको लेकर, अल्लाह के रसूल सल्लम को लेकर एक बार वो शोहर की कब्र पर जाए। जाहिर सी बात है कि 3 दिन रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लम के वालिद उनकी वालदा के साथ, और मशहूर था कि बहुत खूबसूरत थे, बहुत सादगी पसंद शख्सियत थे, ईमानदार थे, लोगों में मशहूर थे, तो उनकी याद को बुलाना आसान नहीं था। तो उन्होंने एक बार सोचा कि उनसे जाकर वो मदीना जाए और जाकर उनकी कब्र की ज्यारत के लिए जाए बच्चे को लेकर। अब वो अल्लाह के रसूल सल्लम को लेकर गई, अल्लाह के रसूल की उम्र तकरीबन 5-5.5 साल रही होगी उस वक्त, वो लेकर गई। और वापसी में, जब वापसी में आ रही तो वापसी के अंदर वो बीमार हुई, वो बीमार हुई और उनका रास्ते में इंतकाल हुई। अल्लाह के रसूल सल्लम भी साथ में ही थे। अब जिस बच्चे ने बाप को भी ना देखा हो, वो जिनकी वालदा खुद सामने, जिन्होंने आखिरी खुद देखा है कि उनकी आखिरी सांसें लेते हुए, अब ऐसे शख्स के अंदर, इसलिए मैंने बताया कि स्टडी जो होती दुनिया भर की उसमें सामने आता है कि ऐसे बच्चे जिनके वालिद ना हो या वालदा ना हो या दोनों ना हो, तो उसका तवाजुन बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाते हैं, उनकी अखलाकियाँ बहुत ख़राब है, गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ होता है, हर चीज़ से नफरत करते हैं, जिसके माँ बाप को देखते हैं उससे नफरत करते हैं, डिसबैलेंस होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम के साथ में ऐसा कुछ नहीं, उनके सीरत देखते हैं, जबकि उनके साथ में ये हुआ। तो तारीख में बहुत कम, थोड़े लोग ऐसे गुजरे हैं जो यतीम रहे, यतीम यानी कि बाप नहीं था उनका, माँ तो थी साथ में, लेकिन तारीख में बहुत कम लोग हुए, जिसमें एक न्यूटन थे, लॉर्ड बेरन एक शायर थे, कन्फ्यूशियस जो चीनी मज़हब, ये लोग गुजरे जो यतीम रहे लेकिन मशहूर हुए, बड़े बड़े लीडर बने, आगे जाके कामयाब हुए। लेकिन इनके साथ में ये था कि ये इनके वालदाएँ थी, वालिद नहीं थे, यतीम थे लेकिन मशहूर हुए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम के दोनों ही नहीं थे, ना वालिद ना वालदा, दोनों नहीं थे। फिर बहरहाल उसके बाद मक्का से वापस इनको लेकर आए और सारे हालात उन्होंने फिर बताया कि इस तरह से उनके दादा को सारी चीज़ें बताई। अब ये भी है कि ये इतने सारे हालात जो उनके साथ में पेश आ रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लम के साथ में, क्योंकि वालदा का गुजरना ये हो गया, फिर एक जो उनका सीना चाक किया जाना है, तो ये सब बचपन ही से इतनी छोटी उम्र से अल्लाह के रसूल सल्लम की तरबियत चल रही, फिर उनको मनसब देना, तो बचपन से उनकी तरबियत की जा रही, उससे जब तक कि बालिग भी नहीं हुए, लेकिन वहाँ से उनकी तरबियत शुरू हो रही और उनके जहनी तवाजुन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उनके दादा के हवाले किया, उनके दादा भी खुद बहुत बूढ़े थे, सीरतों में आता है बहुत उनसे मोहब्बत किया करते, लेकिन जाहिर सी बात है मोहब्बत तो करते ही होंगे, क्योंकि अगर किसी हमारे पास में ऐसा कोई बच्चा हो जिसके माँ बाप ना हो, ऐसी वालिद ना हो, तो उसको हम बहुत मोहब्बत करते, तो उससे मोहब्बत किया करते थे। और उसकी और ये इनके पास में इतना वक्त नहीं था कि ये अल्लाह के रसूल से भी तरबियत करते, उनके दादा क्यों इतना वक्त नहीं था कि उनके पास में, क्योंकि ये खुद सरदार थे उस कबीले के, उनके बहुत बहुत काम हुआ था और मशहूर भी बहुत थे, मशहूर इनकी मशहूरियत इसलिए फैली थी कि इनको जमजम जो कुआ था जो हज़रत इस्माइल के दौर के अंदर जो खुला था, अल्लाह ने उनको दिया था, तो जमजम का कुआ फिर वक्त के साथ में बंद हो गया था, तो इनको अल्लाह के रसूल के दादा को ख्वाब आया तो फिर इन्होंने फिर खुदवाया तो वहाँ से पानी निकला था, तो पूरे अरब के अंदर मशहूर थे कि इन्होंने उस कुएं को खोज निकाला, फिर से तो इनकी मशहूरियत भी बहुत थी। तो सरदार थे तो अब उनके पास इतना भी टाइम वक्त नहीं दे सकते थे अल्लाह के रसूल सल्लम को, तो ये वक्त की भी महरूमी अल्लाह के रसूल सल्लम को मिल रही कि जिसके भरोसे वो दादा के भरोसे, और वो भी उनको वक्त नहीं दे पाते, तो कोई है रिश्तेदार लेकिन वो भी वक्त भी नहीं दे पा रहा, तो एक ये भी जेनी वो हो सकती है कि बच्चा फिर कहाँ जाए, किससे बात करे, अकेला बच्चा, कोई भी नहीं उससे बात करने वाला। अब उसके बाद भी फिर ये थे दादा, तो 2 साल बाद में दादा का इंतकाल हो गया, और इन्होंने फिर जो है उनके चाचा थे अल्लाह के रसूल थे, बहुत सारे चाचा थे, लेकिन उनके जो दादा ने जो है अबू मुतल्लिब जिनके अबू तालिब, इनको दे दिया क्या, तो हालांकि ये सबसे कमज़ोर थे, जितने भी थे सब मालदार थे, ये सबसे कमज़ोर थे, लेकिन अल्लाह इनको दे के गए, हो सकता है ये ज़्यादा यकीन इन पर रहा हो, तो इनको वो देकर चले गए। और मक्का जो है ये एक बड़ा मशहूर शहर था उस वक्त, तिजारती शहर था, और बाहर से लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ बड़े बड़े मेले लगा करते थे, वो मेलों के अंदर जुआ, शराब, पूराबाजी और तमाम तरह के, और फहाशी, नाच और गाने, ये सारी चीज़ें मेले लगते थे और उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती थी, अय्याशियाँ वगैरह सब आम थी वहाँ पर, और ये सब चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लम देख रहे हैं उनके दौर, बचपन ही में उनके दौर में हो रहा है कि मेले लग रहे हैं, वहाँ अय्याशियाँ हो रही हैं, जुए खेले जा रहे हैं, शराब आम पी जा रही है, सब कुछ वो देख रहे हैं, बेईमानियाँ लोग कारोबार में कर रहे हैं, ये क्योंकि अक्सर ये कबीले लुटे रहे थे, मुसाफिर को लूट लेते थे,
तो भी वो देख रहे हैं कि लुटेरे जो लूटा जा रहा है लोगों को, माल उनका हड़पा जा रहा है, ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। और उसके साथ में ये भी देख रहे हो कि साथ में काबे के अंदर बुत रखे हुए हैं, 360 बुत मिलता है कि 360 बुत तो वो रखे हुए हैं उसके अंदर, और उसकी इबादतें हो रही हैं अलग अलग, सबकी इबादत अलग अलग, पूजा पद्धतियाँ वो भी अलग, रसूल सल्लम देख रहे। लेकिन उन बुतों के साथ में एक बड़ा बुद्ध भी था अल्लाह का, वो भी रखते थे वो कि अल्लाह का ये सबसे बड़ा है। उसके अलावा फिर गूगल, लात, मनात, ये देवियाँ थी बहुत सारी, फरिश्तों के बुत उन्होंने रख रहे। अब ये अल्लाह के रसूल बचपन से देख रहे। अगर ये हमारे मुसलमानों के आज के घर के अंदर हो, बचपन से जो देखता है तो वो तो हिलता भी नहीं वहाँ से, बाप दादा करते आ रहे हैं वही हम करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लम ये सब देख रहे हैं, लेकिन किसी बुत को अल्लाह के रसूल सल्लम ने कभी पूजा नहीं, किसी के सामने जाकर खड़े नहीं बचपन ही से। तो जहाँ परवरिश हो रही है वहाँ पर सब कुछ इस चीज़ें हो रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम किसी भी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, ना बुतों की पूजा में, ना फहाशी के अंदर, ना नाच गानों के अंदर, ना शराब के अंदर, किसी के अंदर अल्लाह के रसूल ध्यान नहीं दे रहे। तो ये क्या हो रहा है कि एक हिफाजत भी चल रही है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लम हिफाजत हो रही साथ में। क्यों? क्योंकि इनको निकल कर एक रसूल बनना था, और यही चीज़ें जो यहाँ जो निज़ाम चल रहा है इसको ख़त्म करना है इनको, एक दिन इन शराब को ख़त्म करना, फहाशी को ख़त्म करना, नाच गानों को ख़त्म करना, इस बुतों को वहाँ से हटाना है, इन सब को हटाना है, और वही पर तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लम की जा रही है। अब ये अल्लाह के रसूल सल्लम ने खुद बताया है, ये तो अल्लाह के रसूल ने एक बार बताया कि दो बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि वहाँ पर महफिलें सस्ती थी, सबाना महफिल है, रातों की महफिल होती, नाच गाने उसमें जो भी नौटंकियाँ होती थी सब जाते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने एक बार ख्याल किया कि सब तो जाते, मैं भी एक बार देखूँ जाकर। तो इसे क्या करें, पहले मैं जाकर देख कर आता हूँ कि होता क्या है वहाँ पर। वो गए और रास्ते के अंदर ही पहुँचे होंगे काबे के, वहाँ पहुँचे, काबे से वो दूर पार करके जाना होगा, वहाँ पहुँचे जैसे ही, तो काबे के वहाँ पर नींद का गलबा तारी हो गया और अल्लाह के रसूल काबे पे टेक लगा कर सो गए, और जब आँख खुली तो सुबह हो गई, गए ही नहीं वहाँ पर। दूसरी बार गए हुआ ऐसा ही, तो दूसरी बार भी ऐसा हुआ। तो मतलब अल्लाह उनका जब से हिफाजत कर रहा है कि वहाँ उनको पहुँचाएगा, ये अल्लाह के रसूल ने खुद ये बातें बताई। तो हिफाजत का इंतजाम अल्लाह की तरफ से हो रहा है, हालांकि वहाँ पर ये हो रही है कंडीशन के लोग नंगे तवाफ़ कर रहे हैं। काबे का तवाफ़ भी उस वक्त लोग करते थे तो नंगे करते थे। और ये भी है कि एक वाकया भी मिलता है कि एक जब काबे की एक बार तामीर हुई थी, अल्लाह के रसूल हम छोटे थे, तो उनके चाचा हजरत अब्बास वो सब वो खड़े हुए थे, वो मक्के को उसको तामीर कर रहे थे, और सब लोगों उनको ईंट ला के दे रहे थे, जवान बूढ़े बच्चे भी थे उसके अंदर, बच्चे भी थे तो बच्चे ला रहे थे, तो उनसे क्या ईंटें तोकने में कंधे पर रख के लानी पड़ती, तो चुपती थी, तो सब बच्चे ने क्या लुंगी उतार के और कंधे पर रख ली, उस पर ईंटें रख के ला रहे, और ये अल्लाह के रसूल तो ये कंधे पर रख के ला रहे। तो हजरत अब्बास ने देखा कि इनको भी चुभेगी और जख्म हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि लुंगी जो है इस पर रख लो कंधे पर, और उन्होंने लुंगी खींच ली, वो जैसे ही लुंगी खींची अल्लाह के रसूल बेहोश हो गए, और बेहोश जैसे ही उनको होश आया तो कह रहे मेरी लुंगी कहाँ है, मेरी लुंगी कहाँ है। यानी बचपन ही से अल्लाह के रसूल सर वो बेहोश है, बेहोशी के आलम में भी यही कि उनको बहराना नहीं रहना, जबकि वहाँ पे तो नंगा तवाफ कर किया करते थे लोग, बड़े बड़े लोग ऐसे कर रहे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम ये क्योंकि इन सभी निज़ाम को, इन चीज़ों को अल्लाह के रसूल खुद उखाड़ के फेंकना था, तो इनकी तरबियत वहाँ से ऐसी। अब ये सब दिखाया गया, यतीमी रखी गई क्योंकि ताकि ये शख्सियत उनके अंदर से निखर कर आए बचपन ही से, और ये तरबियत और हिफाजत की गई। ऐसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत के मामला भी ऐसे ही मिलता, उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, फिर वहाँ से जो है वो गुलाम बनाकर बेच दिया गया, और उसके बाद में फिर वो जिस यहाँ जो उनका मालिक था, सरदार था मिस्र का, मिस्र का वजीर था उनको अच्छी पोस्ट पर, तो उसको जो है उनकी बीवी ने उनके ऊपर जिना करने की कोशिश की उनके साथ, लेकिन वहाँ पर भी जो है अल्लाह ने उनको बचाया, फिर जेल गए, तो उसके बाद फिर मिस्र के वजीर बने, तो और वहाँ पर तौहीद को बुलंद किया। तो ये रसूलों की तरबियत अल्लाह बचपन ही से करता है, बचपन ही से तरबियत होती है। इसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में, दाऊद अलैहिस्सलाम की वाक़ियात हमको मिलते हैं कि बचपन ही से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से जो है उसमें डाला गया और नदी में उनको बहाया गया, ये सब चीज़ें। तो ये अल्लाह का सिलेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह का सिलेक्शन तब होगा कि जब वो कुछ कारनामे करे वो फिर अल्लाह उसमें से चुन ले, ये पहले से ही चुने हुए होते हैं, अल्लाह का सिलेक्शन होता है, बचपन ही से अल्लाह उनकी हिफाजत करता है उन चीज़ों से, क्योंकि उन मनसब पर अल्लाह को उनके रसूलों को पहुँचाना होता है, तो पहले से ही अल्लाह का ये सिलेक्शन रहता है, तो सिलेक्ट किया है। तो बचपन से जिस माहौल के अंदर रहे,
तो रिसालत देना थी, तो वैसी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लम की गई और हिफाजत की गई। तो ये अल्लाह की अता से होता है कि अल्लाह उनको चुन लेता है और बचपन ही से उनकी जो तरबियत करता है, एक कोई सवाल ना उठा सके उनकी ज़िंदगी भर अल्लाह उनकी हिफाजत करता है वैसे, और फिर वो अपने रसूलों को चुनता है। अल्लाह के रसूल सल्लम के साथ में हुआ तो उनको चुना, तो ये ताकि उनकी ज़िंदगी बाकी जाओ बेब गुजरे, ताकि उनको आइडियल बनना है लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो नमूना होते हैं। तो सिलेक्शन अल्लाह ऐसे करता है, फिर बचपन से उनकी हिफाजत भी करता है।